हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देव फार्मेसी के यानी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये हमने यानी जो डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उनका एक बैच स्टार्ट किया है, स्मार्ट स्टडी रिवीजन बैच, जिसमें आपको हम स्मार्ट स्टडी कराएंगे और स्मार्ट पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। मतलब यानी क्वेश्चन आंसर वाली आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो दोस्तों, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, मतलब यानी आपका ऊपर क्वेश्चन लिखा होगा, जितना सफी सेंट आंसर आपको एग्जाम के अंदर डिफाइन करना है उतना थ्योरी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम का टाइम बहुत कम है। जिससे जो है दोस्तों, अगर आप इन पीडीएफ को पढ़ेंगे तो दोस्तों आपको एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगे, वीडियो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना और वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, स्क्रीन पर मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप हमसे कॉन्टैक्ट करके उसके बाद दोस्तों आपको टोटल पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी 199 रुपीज़ में। तो दोस्तों, आपके टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखना है, शॉर्ट में ही रखना है, आपको बस शॉर्ट में समझा देना है। तो दोस्तों, ये वाला यानी जो वीडियो ये आपका चैप्टर नंबर 9 केमिस्ट्री का है। तो दोस्तों, सॉल्ट नोट ऑन हाइपोग्लाइसमिक एजेंट विद इट्स क्लासिफिकेशन। कभी कभी ऐसा होता है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब सॉल्ट नोट ऑन हाइपोग्लाइसमिक एजेंट विद इट्स क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों, अगर सॉल्ट नोट पूछता है, मतलब सॉल्ट में पूछेगा क्वेश्चन, तो आपको इतना इंट्रो देना है और ये जो क्लासिफिकेशन हमने लिखा है, बस इस क्लासिफिकेशन को लिख देना है, तो ये आपका शॉर्ट आंसर हो गया। और जब लॉन्ग में आपको लिखना होगा तो लॉन्ग के लिए यानी हम जो पूरी वीडियो आपको पढ़ाएंगे इतना आपको लॉन्ग में लिखना होगा। तो दोस्तों, सॉल्ट नोट ऑन हाइपोग्लाइसमिक एजेंट विद इट्स क्लासिफिकेशन यानी हाइपोग्लाइसमिक एजेंट के बारे में आपको टोटल बताना है। जब हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, यानी ब्लड के अंदर शुगर लेवल जब बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए जिन एजेंट का यूज़ किया जाता है उनको क्या कहा जाता है, हाइपोग्लाइसमिक एजेंट कहा जाता है। और दोस्तों, इन ड्रग को अदर नेम से भी जाना जाता है, एंटी डायबिटिक ड्रग के बारे में यानी इनको जाना जाता है, एंटी हाइपरग्लाइसमिक ड्रग के बारे में इनको जाना जाता है, ओरल हाइपोग्लाइसमिक ड्रग के रूप में इनको जाना जाता है। तो दोस्तों, अगर किसी भी टाइप से आपका क्वेश्चन आएगा आपको लिखना यही होगा। फिर क्लासिफिकेशन, इसका क्लासिफिकेशन हमने बहुत अच्छा लिखा है, मतलब सल्फोना जो आपको सल्फोनाइल यूरिया होता है उसकी 2 क्लास होती हैं, एक फर्स्ट जनरेशन एक सेकंड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में 3 ड्रग लिखी हैं और सेकंड जनरेशन में 3 ड्रग लिखी हैं, तो एसिटोहेक्सामाइड, टॉलब्यूटामाइड, कारब्यूटामाइड, और सेकंड जनरेशन में ग्लिमिडीन लिखा है, ग्लाइबेनक्लामाइड, ग्लिमिपराइड, ये आपकी सेकंड जनरेशन की ड्रग हो गई। फिर वाइगुआनिड जो ड्रग होती हैं, जैसे बूफार्मिन, मेटफार्मिन, दोस्तों जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं भाई, मेटफार्मिन ड्रग का बहुत ज़्यादा यूज़ कराया जाता है उनको, फेनफार्मिन ड्रग हो गई, और थियोजोलिडीन डियोन्स में क्या आता है, पियोग्लिटाजोन हो गया, रोसीग्लिटाजोन ड्रग हो गई, और अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनबिटर जिसमें मेग्लिटाल, बोग्लीबोस और एकारबोस ड्रग आ जाती है। तो दोस्तों, इन ड्रग को आप जब रफ कॉपी पर मेरी वीडियो देख देख के, यानी आपके पास अगर पीडीएफ होगी तो पीडीएफ देख देख कर जब आप जो है दोस्तों रफ कॉपी पर बार बार लिखेंगे तो आपको 100% दोस्तों याद हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको याद ना हो पाए, अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएगी। और ये वीडियो यानी पढ़ाने के मोटिव से भी बनाई गई हैं और आपको मोटिवेशन देने के लिए भी बनाई गई, क्योंकि आप लोग फ्रेशर हैं दोस्तों, आपको अभी इतनी नॉलेज नहीं है कि किस प्रकार से एग्जाम में लिखना है, क्या एग्जाम में करना है। जब आप फर्स्ट ईयर पास आउट हो जाएंगे तो दोस्तों आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है। तो इसमें आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है उसको पढ़ लेना है, मतलब मेटफॉर्मिन। तो दोस्तों, आपका मतलब लॉन्ग आंसर आप लिखेंगे, पहले इंट्रो देंगे हाइपोग्लाइसमिक एजेंट का, फिर क्लासिफिकेशन, फिर एक ड्रग का एग्जांपल, 3 पेज का आंसर बना दीजिए बस, उसके बाद दूसरा आंसर तैयार कर दीजिए, मतलब दूसरा क्वेश्चन पढ़ के दूसरा आंसर लिख दीजिए। तो दोस्तों, मेटफॉर्मिन जो ड्रग है 22 क्लास में अभी हमने बताई थी, बाइगुआनिड क्लास की ड्रग होती है, और इसका सिंपल सा आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, और उसके बाद केमिकल नेम, क्योंकि दोस्तों स्ट्रक्चर और केमिकल नेम अगर आपने सही लिख दिया तो आपकी पूरी ड्रग सही निकलेगी, क्योंकि मेन इसमें यही होता है, स्ट्रक्चर और केमिकल नेम। ब्रांड नेम में तो आप एपीओ, मेटफॉर्मिन, रियोमेट और उसके बाद ग्लूकोफेज, या इसके होते हैं ब्रांड नेम जो मेटफॉर्मिन ड्रग होती है।
और फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज और थेरापूटिक यूजेस तो आपके सबके सेम लिखने होते हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन टेबलेट की फॉर्म में आती है, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज इसको बेल क्लोज कंटेनर में स्टोर करके रखना है, थेरापूटिक यूजेस मतलब यानी ब्लड के अंदर से यानी शुगर लेवल को कम करने के लिए इस ड्रग का यूज़ किया जाता है, एंटी डायबिटिक के रूप में किया जाता है, ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करने के लिए इन ड्रग का यूज़ किया जाता है। तो ये आपकी होती है हाइपोग्लाइसमिक एजेंट। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 9 में जितना आपके लिए सफिशियंट है, यानी अगर आपके एग्जाम में हाइपोग्लाइसमिक टॉपिक पूछा जाएगा लॉन्ग में तो आपको बस इतना डिफाइन करना है, और शॉर्ट में पूछा जाएगा तो दोस्तों आप इंट्रो और क्लासिफिकेशन लिखिए बस, क्योंकि क्लासिफिकेशन में आप ड्रग जरूर मेंशन करें। कोई भी टॉपिक पूछा जाए अगर आपने क्लासिफिकेशन लिखा है तो दोस्तों आपको उसमें नंबर अच्छा मिलता है। तो वीडियो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।